वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन, वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं DJI Osmo Action 4। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी इसकी अनबॉक्सिंग और बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है वो सब दिखाऊंगा एक बार, और साथ ही साथ ये Action 4 नया क्या क्या लेके आया है वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो ये है DJI Osmo Action 4 का एडवेंचर कॉम्बो। एडवेंचर कॉम्बो मैंने क्यों परचेस किया, क्योंकि मुझे सेल्फी स्टिक, बैटरी पैक और कुछ माउंट्स चाहिए थे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए, तो ये सब इसी में मिलता है। और ये एडवेंचर कॉम्बो मैंने Amazon से परचेस किया है और ये मुझे मिला है ओनली 46,000 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको परचेस करना है। तो अभी फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। पहले बॉक्स के ऊपर क्या है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे DJI Osmo Action की ब्रांडिंग है, एडवेंचर कॉम्बो। यहाँ पे DJI Osmo Action 4 का इमेज। यहाँ पे नीचे लिखा है एक्सटेंशन रॉड, 3 बैटरीज और एक बैटरी केस। साइड पे देखेंगे तो DJI की ब्रांडिंग है। ऊपर और नीचे सिर्फ QR कोड्स वगैरह सब है। यहाँ पे कुछ सीन्स शो किए हुए हैं जहाँ पे आप ये कैमरा यूज़ कर सकते हो मोटो ब्लॉगिंग के लिए, एक्शन स्पोर्ट्स के लिए, अंडर वाटर और नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए भी। तो पीछे के साइड पे कुछ की स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे DJI Osmo Action 4 लेके आता है 1/1.3 इंच का स्टनिंग लो लाइट सेंसर, जो कि आपको लो लाइट में बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियोस और फुटेजेस प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद इसमें है 10-bit D-Log-M का प्रोफाइल, जो कि आप यूज़ करके कलर ग्रेडिंग में कुछ खेल सकते हो, मज़े कर सकते हो कलर ग्रेड करते टाइम। डीप फ्रीज लॉन्ग लास्टिंग बैटरी ये प्रोवाइड करता है और 4K 120 FPS अप टू 155 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ ये आता है। और बहुत सारे मोड्स है इस एक्शन कैमरा में, जो कि मैं इस वीडियो में आगे कवर करूंगा। यहाँ पे क्विक रिलीज वर्टिकल माउंट भी मिल जाता है आपको, 360 डिग्री होराइजन स्टडी मोड भी मिल जाता है, जो कि मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। वाटरप्रूफ भी है ये अप टू 18 मीटर्स तक और ड्यूअल टच स्क्रीन के साथ ये एक्शन कैमरा आता है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, पर हम ओपन करके देख लेंगे कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है पहले और यूज करके भी हो चुका है, पर आपके लिए फिर एक बार अनबॉक्सिंग करने का हक बनता है। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमें मिल जाते हैं 2 ये अलग अलग बॉक्सेस, जिसमें ये Osmo Action 4 वाला है और ये दूसरा एक्सेसरीज वाला है। और इसके अंदर हमें मिलती है ये एक्सटेंशन रॉड, इसको हम ओपन करके देखेंगे। और ये DJI Action की ब्रांडिंग यहाँ पे लिखी हुई है और ये कुछ ऑलमोस्ट 2 फीट तक एक्सटेंड हो जाती है। तो पहले हम देखेंगे एक्सेसरीज वाला बॉक्स ओपन करके उसमें क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। तो ये मैग्नेटिक माउंट है, यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग है और ऊपर यहाँ पे रबराइज्ड मटेरियल यूज़ किया है, जिससे कि आपके एक्शन कैमरा पे कुछ स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए, इसलिए। बाद में ये आता है Type-C to Type-C PD केबल। उसके बाद ये आता है बैटरी पैक। तो ये कुछ है बैटरी पैक, यहाँ पे बटन दबा के आप बैटरी की स्टेटस देख सकते हो। रेड है तो टोटली लो है, ग्रीन है तो टोटली चार्ज है, और अगर 50% चार्ज है तो यहाँ पे ऑरेंज लाइट आ जाता है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2 बैटरी पैक्स मिल जाते हैं हमें और 1 बैटरी पैक ऑलरेडी एक्शन कैमरा में इंस्टॉल्ड है। तो ये एक बेनिफिट वाला पॉइंट मुझे लगा इस एडवेंचर कॉम्बो का। उसके बाद क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह मिल जाता है हमें और ये DJI के कुछ स्टिकर्स है, जिसमें से मैंने एक यूज़ कर लिया है। और ये हमें लेंस कवर मिल जाता है, जो कि हम लो लाइट कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं ताकि अच्छी फुटेज हम कैप्चर कर सके। ये लेंस कवर आप अंडर वाटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पे बीच में से अनकवर्ड है। सो दिस इज ओनली यूजेबल इन द लो लाइट कंडीशंस। अभी हम मेन बॉक्स पे आ जाते हैं DJI Osmo Action 4 के बॉक्स पे। इसको ओपन करते ही हमें कुछ ये 2 चीज़ें दिख जाती है। ये वाला निकलते हैं पहले, इसके अंदर प्रोटेक्टिव केस है और कुछ माउंट्स है और ये है हमारा DJI Osmo Action 4। तो इसको पहले मैं रख देता हूँ साइड में, पहले ये वाला देख लेते। तो ये कुछ है प्रोटेक्टिव केस, जो कि आप यूज़ कर सकते हो वर्टिकल माउंट के साथ। कुछ इस तरह से वर्टिकल माउंट हो जाता है ये। फिर इसमें मिलते हैं हमें कुछ थंब स्क्रूज और एक वर्टिकल माउंट यहाँ पे हमको मिल जाता है। इन दोनों में फ़र्क इतना ही है कि ये वाला थोड़ा शॉर्ट लेंथ वाला है, ये थोड़ा लॉन्ग लेंथ है। फिर यहाँ पे हमें मिल जाता है एक कर्व माउंट, जो कि DJI के Osmo ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमें। अभी आते हैं हमारे एक्शन कैमरा पे। तो ये है DJI Osmo Action 4 कुछ इस तरह से। यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग है, यहाँ पे टच स्क्रीन, यहाँ पे क्विक स्विच और Type-C का कंपार्टमेंट, यहाँ पे लेंस है, एक्शन 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस एक्शन के एक्शन 4 के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे O के अंदर कलर टेम्परेचर सेंसर छुपाया हुआ है। 4 की ब्रांडिंग रेड कलर में है, DJI Osmo Action 3 में ये ऑरेंज कलर में थी। ऊपर भी सेम है, यहाँ पे बटन की एक्सेंट रेड में है, DJI Osmo Action 3 में ऑरेंज कलर की थी। यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ है कंपार्टमेंट मेमोरी कार्ड और बैटरी का। तो ये एक बैटरी है और मेमोरी कार्ड ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है मैंने। हाईली सजेस्टेड है कि सैंडिस्क का एक्सट्रीम प्रो वाला ही मेमोरी कार्ड यूज़ करना, और एल्स कोई और ब्रांड का जो टॉप मॉडल है वो यूज़ करना। बाकी के कुछ सिलेक्टेड ही मेमोरी कार्ड इस एक्शन 4 में वर्क करते हैं। वाटरप्रूफिंग की बात करें तो यहाँ पे ये DJI Osmo Action 4 अप टू 18 मीटर्स की डेप्थ तक जा सकता है और ये विदाउट वाटरप्रूफ केस जा सकता है अप टू 18 मीटर्स तक। और अगर आप इसको अंडर वाटर लेके जाने का सोच भी रहे हो तो ये पहले डोर्स जो है इसके वो आप प्रॉपरली क्लोज कर लो ताकि इसके अंदर पानी जाएगा। तो यहाँ पे कुछ रेड कलर के मार्क्स है जो कि डिफाइन करते हैं कि ये डोर प्रॉपरली क्लोज्ड है। अगर ये प्रॉपरली क्लोज नहीं है तो इसके अंदर पानी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये ख़राब भी हो सकता है। तो ये प्रॉपरली क्लोज कर लेना और उसके बाद ही इसको अंडर वाटर लेके जाना। तो ये है कुछ 1/1.3 का CMOS स्टनिंग लो लाइट सेंसर जो कि आपको लो लाइट में अच्छी फुटेज दिलवाएगा। यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग है। ये सेकेंडरी टच स्क्रीन है जो कि फुल्ली फंक्शनल है और ऑलमोस्ट सभी सेटिंग्स आप इससे एक्सेस कर सकते हो। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल है, उसी के अंदर एक माइक भी प्रोवाइड किया है DJI ने। उसी के साइड में ये है एक्शन बटन जो कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए यूज कर सकते हो या फिर फोटोज क्लिक करने के लिए यूज कर सकते हो। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे क्विक स्विच कम पावर बटन है। इस DJI Osmo Action 4 में आपको 3 माइक्स मिल जाते हैं जो कि एक स्पीकर ग्रिल में है और 2 यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे आपको मिलता है ये मैग्नेटिक माउंट जो कि आप ये वाला यूज़ करके इसको अटैच कर सकते हो और किसी भी सेल्फी स्टिक के साथ आप इसको अटैच कर सकते हो कुछ इस तरह से। अगर आप इस कैमरा को वर्टिकली यूज़ करना चाहते हो तो ये माउंट आप वर्टिकली लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बैटरी पैक का डोर है कुछ इस तरह से। तो इसको वर्टिकली यूज़ करने के लिए हमें ये लगेगा केस। तो ये एक्शन कैमरा इस केस में पहले हम लोग फिट कर लेंगे कुछ इस तरह से और वर्टिकली हमें यूज़ करना है तो ये माउंट है और इसका यहाँ पे मैग्नेटिक माउंट है तो ये अटैच हो जाता है और कुछ इस तरह से आप इसको वर्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी करते हैं इस कैमरा को ऑन और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मोड्स हमें देखने को मिलते हैं और क्या क्या फीचर्स और क्या क्या सेटिंग्स इस DJI Osmo Action 4 में है। तो कैमरा ऑन होते ही हम आ जाते हैं होम स्क्रीन पे जहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में से। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कितना रिकॉर्डिंग टाइम बचा है वो दिखाई देता है। ये डिपेंड करता है आपके शूटिंग मोड पे, जो भी सिलेक्ट करोगे 1080p 2K 4K उस हिसाब से ये सेट हो जाता है। मिड लेफ्ट में आपको गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसको क्लिक करते ही आप अपने सारे रिकॉर्डिंग्स एक्सेस कर सकते हो, उनको प्ले कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और फेवरेट्स में भी डाल सकते हो। साथ ही साथ वीडियो प्लेबैक का वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हो, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, फास्ट फॉरवर्ड और फेवरेट सीन को मार्क भी कर सकते हो। बॉटम लेफ्ट में आपको आपके सारे शूटिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे, वहाँ आप आपका बेस्ट शूटिंग मोड सिलेक्ट कर सकते हो और ये जो मोड्स है आप क्विक स्विच बटन दबा के भी एक्सेस कर सकते हो। बस फर्क ये है कि क्विक स्विच दबाते ही आंटी बोलने लग जाती है स्क्रीन स्विच वॉइस प्रॉम्प्ट, उसे आप एनेबल डिसेबल भी कर सकते हो। और टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही आपको मोड्स ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। टॉप राइट पे आओगे तो आपको बैटरी स्टेटस और वॉइस कमांड शट डाउन आपका एनेबल है तो उसके आइकॉन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बॉटम राइट में अब पूछोगे मिड राइट किधर गया, आएंगे उस पे भी आएंगे, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े सेटिंग्स है, झमेले हैं तो उसमें आखिर में आएंगे। तो बॉटम राइट में आपको जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है, प्रेस एंड होल्ड करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो और पर बस 2x तक ही जूम कर सकते हो बिकॉज ये डिजिटल जूम है। अब बात करते हैं 2 मेजर सेटिंग्स की, मिड राइट और बॉटम मिड की। मिड राइट में आपको एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, फील्ड ऑफ व्यू, इमेज एडजस्टमेंट, लो लाइट एनहांसमेंट और सबसे बेस्ट कलर लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। एक्सपोजर, वाइट बैलेंस और इमेज एनहांसमेंट तो आपको पता ही है, ये सब शार्पनेस, नॉइज, ब्राइटनेस एंड ऑल के बारे में होता है और कुछ चीजें इसमें ऑटो एडजस्ट हो ही जाती है तो उसको छेड़ो मत, वैसे ही रहने दो। फील्ड ऑफ व्यू में आपको नैरो, स्टैंडर्ड, डीबॉब, वाइड और अल्ट्रा वाइड के ऑप्शन मिल ही जाते हैं, पर एक याद रखना कि ये चेंज भी हो सकते हैं कुछ कुछ सेटिंग्स के हिसाब से, जैसे कि अगर स्लो मो, टाइम लैप्स और हाइपर लैप्स में आपको नैरो वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे की जो आप यूज करते करते सीख जाओगे, जैसे हम सीखे लो लाइट इमेज एनहांसमेंट और EIS प्रायोरिटी इन लो लाइट तभी ऑन होगा जब आप आपका प्रो मोड ऑफ करोगे। और हाँ यस, इसमें प्रो मोड भी आता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको ऑन दिख रहा होगा, उसी में ये सारी सेटिंग्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कलर लॉग मोड, DJI की तरफ से यहाँ पे हमें ये मिल जाता है D log M, वो भी 10 बिट में, जिसकी मदद से आपको एक फ्लैट प्रोफाइल में शूट करने का सौभाग्य मिल जाता है और उस फुटेज को आप पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ तगड़ा कलर ग्रेड कर सकते हो। ऊपर आपको और भी कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये माइक वाला आइकॉन है जिसमें आप चैनल सिलेक्ट कर सकते हो, स्टीरियो या मोनो और नॉइज रिडक्शन का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑफ, स्टैंडर्ड या फिर हाई जो कि बस 1080p में ही अवेलेबल है। और अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज करने का सोच रहे हो तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि ये लिमिटेड माइक सपोर्ट करता है वायर्ड और वायरलेस दोनों में, तो सोच समझ के लेना। फिलहाल मैं वायर्ड वाला यूज कर रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग के लिए और उसको लगाते ही आपको और एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी जो कि है गेन की। सराउंडिंग नॉइस कितना कैप्चर होना चाहिए उसके लेवल से आप इजीली आराम से प्लस माइनस में सेट कर सकते हो। टेस्टिंग चालू है, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में कौन से बेस्ट सेटिंग्स है वो भी बताऊंगा बहुत जल्द। फाइनली बॉटम मिड पे आते हैं जो की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजोल्यूशन। 1080p में 24 से लेकर 240 FPS तक शूट कर सकते हो, 2.7K में 16:9 में 24 से लेकर 120 FPS तक शूट कर सकते हो और 4K में 16:9 9 में भी सेम, बस 2.7 के और 4K के 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में आप 24 से लेके 60 FPS तक ही शूट कर सकते हो। उसी में आपको टॉप लेफ्ट में प्री रिकॉर्डिंग और लूप रिकॉर्डिंग के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और टॉप राइट में आपको रॉक स्टडी प्लस, होराइजन बैलेंसिंग और होराइजन स्टडी, ये सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी तो आपको इसके आगे जो भी शॉट्स आएंगे उसमें पता चल जाएगा कि ये सारे शूटिंग मोड्स क्या क्या करते हैं, तो एक एक करके इसके सारे शूटिंग मोड्स की क्वालिटी देख लो। तो ऑलरेडी कुछ शूटिंग मोड्स मैंने सेट करके रखे हैं मेरे हिसाब से। सबसे पहले ये 1080p 60fps विथ रॉक स्टडी मोड ऑन है, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। कलर मोड भी नॉर्मल पे ही है, नो डी लॉग एम। बस इमेज एडजस्टमेंट में मैंने शार्पनेस 1 पे रखा है और FOV वाइड पे ही है। अगला है 2.7 के 60 FPS, सब सेम है, बस 1080p से 2.7 के पे शिफ्ट किया है मैंने। इसके बाद 4 के 60 FPS, इसमें भी सब सेम है, बस रिजोल्यूशन चेंज फ्रॉम 2.7 के टू 4K। थोड़ा नॉइजी एनवायरनमेंट में हूँ ताकि आपको एक ऑडियो का भी अंदाज़ा आ जाएगा कि विदाउट एक्सटर्नल माइक ये कैसा साउंड करता है। फोटोज़ कुछ इस तरह से आते हैं, इसके डायनेमिक रेंज मुझे अच्छी लगी वैसे तो। स्लोमो शॉट्स जिसमें आपको 1080p में 120 और 240 FPS का भी ऑप्शन मिल जाता है, बाकी 2.7 के और 4K में सिर्फ 120 FPS का ही ऑप्शन मिलता है। ये वाला मैंने 1080p 240 FPS पे शूट किया है। टाइम लैप्स में आपको अलग अलग प्रीसेट्स मिल जाते हैं और आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो। ये वाला क्राउड प्रीसेट है। हाइपर लैप्स में भी आप 2x से लेकर 30x तक शूट कर सकते हो। ये वाला ऑटो पे शूट किया है एट 2.7 के रेजोल्यूशन। इसके बाद 2.7 के 30 FPS पे लो लाइट इमेज एनहांसमेंट ऑन करके EIS प्रायोरिटी भी ऑन है। यहाँ पे लो लाइट इमेज एनहांसमेंट का ऑप्शन बस आपको 24 टू 30 FPS पे ही मिलेगा। और ये शूट करके वक्त मैंने जो दूसरा लेंस कैप है वो इंस्टॉल किया है। ये कैप DJI इसी के लिए प्रोवाइड करता है कि ताकि आप लो लाइट में इस कैमरा से अच्छी फुटेज कैप्चर कर सको। और ये कैप विदाउट ग्लास है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर करने में आपको मदद करता है इस शूटिंग मोड में। पर एक याद रखना कि इस कैप को लगा के कैमरा पानी में मत लेके जाना, बिकॉज ये कैप वाटरप्रूफ नहीं है। और लास्ट शूटिंग मोड में भी सेम लेंस कैप यूज़ किया गया है और सेटिंग्स है 1080p 60 FPS विथ EIS प्रायोरिटी ऑन और फुटेज कुछ इस तरह से है। नॉर्मल शूटिंग मोड में लाइक 1080p 60 FPS में अगर आप प्रो मोड ऑफ करके EIS को ऑन करोगे तो किसी भी लाइट के सामने फुटेज में फ्लिकरिंग आपको देखने को मिलेगी, पर जैसे ही आप EIS को ऑफ करोगे तो फ्लिकरिंग बंद। तो ये सब सेटिंग्स और शॉट जो कि आपने देखी यूट्यूब पे जाके डाउनलोड हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की फाइल कंप्रेशन की वजह से बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब देखेंगे DJI Osmo Action 4 की पैनल सेटिंग्स। ऊपर से स्लाइड डाउन करके बहुत सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं। उसमें से पहले तो है प्रीसेट्स का ऑप्शन, अपने सेटिंग्स अप्लाई कर दो और यहाँ से C1 से लेके C5 तक जिसमें भी आपको सेट करना है वो सिलेक्ट कर लो, बाद में काम आ जाएगा। नेक्स्ट QS यानी कि क्विक स्विच पे क्लिक करके ही आपको क्विक स्विच बटन पे क्या क्या अवेलेबल रखना है वो आप सेट कर सकते हो। बाद में आता है ब्राइटनेस, बाद में मेन सेटिंग्स जिसके अंदर और भी सेटिंग्स है। सेटिंग्स के अंदर सेटिंग्स हुआ वो बाद में देखते हैं। फिर अपना ओरिएंटेशन लॉक मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे चाहिए वैसे। बाद में स्क्रीन लॉक, फ्रंट और बैक दोनों स्क्रीन आप स्वाइप अप करके अनलॉक भी कर सकते हो। वॉइस कंट्रोल का तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता ही दिया था। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, शट डाउन और टेक फोटो के वॉइस कमांड इसमें ऑलरेडी है। और फिर लास्ट में आता है फ्रंट स्क्रीन का प्रीव्यू, आपको फुल चाहिए या फिर डिटेल के साथ वो भी आप चूज कर सकते हो। मेन सेटिंग्स में घुसते ही पहले आपको मिल जाएगा स्नैपशॉट, जिसको आप सेट कर सकते हो आपके प्रीसेट्स के हिसाब से। और जैसे ही आप शटर बटन दबाओगे विदाउट कैमरा ऑन तो ये डायरेक्टली शूटिंग चालू कर देगा आपके प्री सिलेक्टेड शूटिंग मोड में। सिंगल स्क्रीन प्रीव्यू बैटरी बचाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, कोई भी एक स्क्रीन ऑन रखना, जब चाहिए तब स्वाइप अप करके दोनों में से कोई भी एक स्क्रीन यूज कर सकते हो। अगेन वॉइस कंट्रोल, इंग्लिश के साथ चाइनीज है शायद, और वॉइस कमांड्स ऑलरेडी बताई दी है मैंने। OTG कनेक्शन से आप डायरेक्टली सब फाइल कैमरा टू मोबाइल ट्रांसफर इजिली कर सकते हो। वायरलेस कनेक्शन में आपको वाईफाई रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाएंगे टू कनेक्ट विद द DJI Mimo ऐप। वीडियो कंप्रेशन में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एफिशिएंसी HEVC यानी कि H.265, साइज छोटी होगी बट क्वालिटी सेम। कंपैटिबिलिटी H.264 में वाइड कंपैटिबिलिटी होगी बट वीडियो साइज ज्यादा। वायरलेस माइक का ऑप्शन तो 2-3 अपडेट के बाद आया है, जो कि अभी मैं दिखा नहीं सकता ज्यादा क्योंकि वायरलेस माइक नहीं है हमारे पास। साउंड म्यूट, लो, मीडियम, हाई सब कर सकते हो। ग्रिड चाहिए तो ग्रिड लगा लो। वीडियो पे टाइम कोड भी लगा सकते हो अगर चाहिए तो। अपने हिसाब से वीडियो की नेमिंग भी चेंज कर सकते हो और फोल्डर स्टेटस भी बना ही सकते हो। स्क्रीन ऑफ और ऑटो पावर ऑफ का भी ऑप्शन है, जब नहीं यूज करोगे तब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा बैटरी बचाने के लिए। कैमरे के एलईडीज ऑफ चाहिए, हो जाएगा। कैलिब्रेशन की तो सबसे ज्यादा जरूरत है, टेबल पे रख के कर लो। लाइव स्ट्रीम करना है वो भी हो जाएगा, बस मीमो ऐप से कनेक्ट कर लेना। ब्लूटूथ रिमोट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस अलग से रिमोट खरीदना पड़ता है। लैंग्वेज, डेट एंड टाइम सेट करना है, हो जाएगा। फॉर्मेट, फैक्ट्री रीसेट तो आपको पता ही है। डिवाइस इन्फो में जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा, फर्मवेयर वर्जन, सीरियल नंबर, डिवाइस नेम और बहुत कुछ। कंप्लायंस इन्फो तो DJI वालों की बात है। तो ये सारी डीप सेटिंग्स है DJI Osmo Action 4 में, तो सारी की सारी कवर करने का ट्राई किया है मैंने। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना और लाइक कमेंट शेयर भी कर ही देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की टेस्टिंग, उसके बाद ये सब खत्म। तब तक के लिए बाय बाय।